गाइस इसको ये हो गई लोड, हाँ ऐसे किया और फायर। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी आजकल हर मॉर्निंग ऐसे व्यू के साथ होने लग गई है और बाकी बाय प्लेस यिंगकियोंग डिस्ट्रिक्ट अपर सियांग स्टेट अरुणाचल प्रदेश और टाइम हो रखा है अभी सुबह के 8:15। पीछे जूते और बैकपैक भी पीछे से बहुत गंदा हो गया है। जब तक आपके जूते और बैकपैक गंदा ना हो आपकी बैकपैकिंग अधूरी है। बाय बाय। कहाँ से हो? नीचे से। हेलो बच्चे, डरने लग गए हैं आज क्यों? और वैली में देखिए बादल आ रखे हैं। चलते जा रहा हूँ इन हसीन नजारों में। बीच में सियांग रिवर यानी ब्रह्मपुत्र। हो बिग फैन ऑफ एलन वॉकर। वेयर आर यू नाउ? बहुत प्यारा लगता है मेरे को ये। अरे ये तो एकदम नया ब्रिज है। 9 जनवरी किसकी ओपनिंग हुई है? हेलो, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। वो नीचे से जा सकता है ना उस ब्रिज से? आप यहीं से हैं? हाँ, यहाँ का नहीं है, मैं पांगिंग का है। पांगिंग का है? हाँ। अच्छा, वहाँ पे रास्ता है। अभी ये ब्रिज नया बना है लेकिन इस ब्रिज में थ्रिल नहीं है। अभी मैं जाऊंगा ये वाला ब्रिज। कौन सा ब्रिज? हैंगिंग। और ये बेम्बू का ही बना होता है क्या? ऊपर में मिलेगा? ओके आए दो। पूरा हिल रहा है यार। थ्रिल है यार। मतलब आप एक कदम रखते हो ये ब्रिज पूरा हिलता है। और यहाँ पर तो आयरन की वायरिंग लगी हुई है, कई जगह तो ये बैम्बू का है। अरे भाई, और सिर्फ फटे हैं ये, एक फटा टूटा और आपकी जान गई। ऊपर से नया ब्रिज और ये पुराना ब्रिज। ओ भाई 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 भाई। आधा घंटे से कोई भी व्हीकल उस डायरेक्शन में जाने वाला नहीं आया है। या तो उधर से आए हैं और या फिर उधर से आते हैं और उधर निकल जाते हैं। अगर आप अरुणाचल घूमने आ रहे हो तो गूगल मैप्स के भरोसे ज़्यादा मत रहना। यहाँ पर गूगल मैप्स अपडेटेड है नहीं, जैसे ये वाला ब्रिज भी अपडेटेड नहीं है मैप्स के ऊपर। इसके पीछे एक ब्रिज और है जो कल हमने क्रॉस किया था, वो वाला ब्रिज भी अपडेटेड नहीं है। तो काफ़ी ब्रिज हैं जो गूगल मैप्स ने अपडेट नहीं किए हैं। और सियांग रिवर में राफ्टिंग भी होता है, अगर आप राफ्टिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप तूतिंग से भी राफ्टिंग करके पासीघाट तक जा सकते हो, जिसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स होगा। तो आप यूँ मान लीजिए जहाँ से ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर होती है और नीचे जाकर प्लेन तक, आप पूरे इस एरिया में राफ्टिंग कर सकते हो। तो अरुणाचल में हिच हाइक करने वालों, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे गाड़ी बहुत कम होती जाएंगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको एक एक घंटा एक गाड़ी के लिए वेट करना पड़ेगा कि कोई गाड़ी तो आ जाए, कोई दिखता ही नहीं है। अरे भैया तो आ रहे हैं भैया। तूतिंग इधर जाएगा?
तूतिंग हम लोग कौन सा जगह से आए हैं? मैं दिल्ली से। वाह, दिल्ली से घूम के आए। हाँ। अगरबाला है क्या? हैं? अगरबाला है? नहीं 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 नहीं। अच्छा, ये क्या? ये कैमरा है। ओ, वीडियो कैमरा। अकेला है क्या? हाँ, अकेला है। चलिए नहीं तो मोइंग तक छोड़ देगा। चलो आते हैं। थैंक यू। तो जो भी आ रहा है उसको रोक लो, उससे पूछो और वो शायद आपको लिफ्ट दे दे आगे तक। जय बजरंग बली की। दिल्ली से आए हुए हैं आप? हाँ। पोपंग ताकुक, ताकुक BAKUK ताकुक। अच्छा, ताकुक आपका वो टाइटल है? टाइटल है। कोम्पांग आपका नाम है? कोम्पांग है नाम है। तो गाइस, आज दिन की पहली लिफ्ट मिली है और पहली लिफ्ट मुझे दी है कोम्पांग ने, जो यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता है। डिप्टी रेंजर। डिप्टी रेंजर है आप? जी हाँ। बजरंग बली का नाम लेके चलते हैं ना? हाँ, बजरंग बली का नाम लेके। हेलो हेलो। हाँ, होटल है। अच्छा, आई दो। जय बजरंग बली की। जय आई दो। आई दो ठीक है। तो गाइस, अभी जो मेन रोड है तूतिंग का, वहाँ पहुँच गया हूँ। आगे जाके जो ब्रिज वाला रोड था वो भी इसी रोड में मिल जाएगा, और यहाँ से चांसेस हैं कि मुझे गाड़ी मिल जाए डायरेक्ट तूतिंग तक। ये पाइनएप्पल कितने का होगा? पाइनएप्पल का 40 का। इसको काट के देगा आप? अरुणाचल में भी पाइनएप्पल होता है। वो मीठा है, बहुत मीठा पाइनएप्पल। उधर पहाड़ के ऊपर बर्फ गिरी है लेकिन नीचे गर्मी है बहुत। ये पहना हुआ है लेकिन इस धूप में जाते ही इसको निकालने का मन करेगा। ग्रिप पे काम करते हैं ना? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये ग्रिप का ही पार्ट है और इनके डिपार्टमेंट की गाड़ी ऊपर जाती रहती है। तो गोपाल भैया कह रहे हैं कि एक बार आप मेरे साथ चल लो, नीचे इनका ऑफिस है। कई बार आपको आर्मी की गाड़ियां भी मिल जाएंगी, ग्रिप की गाड़ियां भी मिल जाएंगी, लेकिन पिछले एक घंटे से यहां पे बैठा हूं मैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला मेरे को। ओके, धन्यवाद भैया। ओके, धन्यवाद। तो जाके आ जाइए। मेरे को गाड़ी मिल गई है, एक ग्रिप की गाड़ी जा रही है बामडो तक। है बामडो तक। आपका नाम राकेश है ना भैया? अभी मेरा सफर चल रहा है राकेश भैया के साथ। आप अलवर से? झुंझुनू से। झुंझुनू से? हाँ। मेरा एक दोस्त है झुंझुनू से, ढाणा का, सिंघाणा के पास। हाँ, आप किधर के हो? चिड़ावा के। हाँ। ननियाल है मेरा राजगढ़ का, चूरू में। हाँ, राकेश भैया के साथ जो मेरा सफर होने वाला है वो होगा लगभग 30 से 35 किलोमीटर का। उसके बाद राकेश भैया बामडो में रुक जाएंगे और मैं आगे के लिए ट्राई करूंगा कि मुझे और कोई लिफ्ट मिल जाए। चांसेस कम है लेकिन जहाँ चांसेस कम होते हैं वहीं पे जल्दी लिफ्ट मिलती है। मेरे साथ तो यही हुआ है। तो बॉर्डर एरिया में जितने भी सड़कें होती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती है ग्रिफ, चाहे वो राजस्थान हो चाहे कोई भी हो। एकदम सिंगल लाइन रोड है, आगे से अगर दूसरा व्हीकल आ जाए तो उसके पास होने के लिए जगह बहुत मुश्किल से निकालनी पड़ेगी। और कई जगह तो ऐसे होती हैं कि जहाँ टर्न लेते टाइम ये ट्रक भी साइड में जो पहाड़ है उनसे भिड़ने को हो जाता है। धन्यवाद भाई। आई हैव रीच्ड इन बामडो और जो राकेश भाई थे वो ऊपर चले गए। तो जो भी बाइकर्स हैं उनको तो मैं अरुणाचल डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, और अरुणाचल में भी कहाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ साथ। इट्स गोना बी अमेजिंग राइड और सच में बहुत मजे आएंगे आपको। और जो लोग हिचहाइक करके आना चाहते हैं उनके लिए भी सही है, लेकिन तैयार रहना यार, गाड़ी बहुत कम मिलेंगी, ज़्यादातर आपको आर्मी या ग्रेफ की गाड़ी मिलेंगी। तो लिफ्ट मिलने में टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन मिलेगी ज़रूर आपको। मोबाइल टावर है,
स्नो से ढके हुए माउंटेन्स हैं, नीचे वैली में रिवर है, सामने से वायर जा रही हैं, हर चीज़ दिख रही है लेकिन आदमी नहीं दिख रहे। ऊपर एक विलेज तो है, अगर मान लो आज मेरे को कुछ भी लिफ्ट नहीं मिलती है, 3 घंटे तो हैं अभी मेरे पास, 3 घंटे तो मैं वेट करूँगा, और अगर 3 घंटे बाद अगर कुछ भी नहीं मिलता है उस गाँव में चला जाऊँगा, कोई ना कोई मुझे आशियाना दे देगा आज रात के लिए। अरुणाचल के घने घने जंगल, क्या कहूँ और मूवीज में नहीं दिखाते हैं एकदम शांत होके, अब एकदम शांत हो गए, आवाज को एनालाइज कर रहे हैं। उधर मार दिया मैंने टाइम पास। गाइस अभी यहाँ पर बैठा था, आपका नाम भैया? पांगा, दीपांशु। तो इसे आप किस चीज का हंटिंग करता है? हम तो जहाँ जंगल में चिड़िया हो रहा। अच्छा अच्छा, जो भी चूस मिलता है, छोटी गोली होती है, बिल्कुल इसका गुली जो है यहाँ, इसका गुली जो यहाँ पे घुसाते हैं। हाँ हाँ, तो हमने ऐसा किया, ये लोड हो गया, लोड हो गया, वाह वाह। किधर मारो बताइए? जैसे कुछ पत्ते में मारो, क्या बोन हो गया। गाइस इसको ये हो गई लोड, ऐसे किया और फायर। थैंक यू। आई नो। तो इसको क्या बोलते हैं आप? इसको इसको दाऊ दाऊ, ये कुकरी जैसा होता है? कुकरी है ये, कुकरी है ये, हमारा मरा वाला चिड़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने मरा उससे, बस एक ही मरा। अच्छा अच्छा, तो इसको खाते हैं, खाएंगे फिर आप? खाएंगे शाम को बस जला के, ज्यादा दूर का ये। तो यहाँ पर ये हंटिंग अलाउड है या बंद है? अभी बैन हो गया है। अलाउ है, अलाउ है मतलब की, लेकिन आप मैथुन को नहीं मार सकते या फिर? मिथुन तो हमारे पलाऊ है ना। अच्छा, मैथुन आप पालते हैं? हम पालते हैं सुअर, मिथुन हम पालते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके बाय, आई दो। ढाई घंटे वेट करने के बाद ताकू भैया ने लिफ्ट दी है 20 किलोमीटर के लिए। यहाँ से जो अगला विलेज है वो 20 से 22 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ तक मुझे ताकू भैया छोड़ देंगे, फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। बहुत गहरा जंगल है। आप यहाँ पहली बार है? हाँ, मैं 2 दिन पहले रुका उधर रीगा बस्ती में। जैसे जैसे धूप आती है अच्छा लगता है, छाया में आती है ठंड लगने लग जाती है। हमारे यहाँ गाय नहीं है। अभी हम टाकू की जो बस्ती है जानबो वहाँ पहुँच गए हैं, बस थोड़ा ही दूर है अभी। गाइस जानबो बस्ती, चाय मिलेगा? 2 मैगी बना दीजिए और 1 चाय। बस्ती आपका ऊपर है या किधर है? उधर अंदर। अच्छा उधर अंदर है बस्ती। कुछ भी हो आपको मैगी चाय और ऑमलेट हर जगह मिलेंगे। अभी जो मेरी मेन डेस्टिनेशन है तूतिंग, लगभग तूतिंग 95 किलोमीटर से, अभी 95 किलोमीटर बचा हुआ है। आप क्या करने के लिए आए इधर? टूरिस्ट। जंबो, जंबो बस्ती में रुका हूँ मैं, और शायद अभी मेरे को मिलना मुश्किल है ना आगे का तूतिंग का गाड़ी मिलना। नहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इधर टूरिस्ट बहुत कम आता है ना? कम है, और इधर बाहर का टूरिस्ट ज्यादा आता है, मैंने सुना कि आउट ऑफ इंडिया से ज्यादा आता है, फॉरेनर ज्यादा आता है यहाँ पर। फॉरेनर्स ज्यादा आते हैं और इंडियन टूरिस्ट कम आते हैं, अजीब बात नहीं है? बाहर देश का ना उधर में ये मंदिर भी है ना, मोम्पा लोग का मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट लोगों का, बुद्धिस्ट लोग का।
अभी यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ मैं, यहाँ के कल्चर को और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है यार। इची माला गोन क्या बोल रहे हैं? इची माला आने में यहाँ के गांव के लोगों के साथ आग सेक रहा हूँ मैं, समझाओ बुरा। आप इधर से ही हैं? नहीं, हम राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान में करौली से। करौली से? वो तंदे लॉन्ग पिन भी नहीं पहनने के लिए पैसा ही नहीं तो कैसे लॉन्ग पिन होगा हाथ में मोबाइल और पैसे की बात कर रहे हैं देखिए ये तो बात करने के लिए मजबूर भी लेना पड़ता है ना तो छोटा लीजिए ना टेंट ऐसे कुछ लेके नहीं आया? टेंट पहले रखता था मैं, जब रशिया गया था तब रखता था, आपकी बार टेंट घर पे छोड़ दिया मैंने। अच्छा, रशिया भी जाके आ गई? मैं 9 देश घूम चुका हूँ, ईरान, रशिया, थाईलैंड, अजरबैजान, आर्मेनिया, मलेशिया, कम्बोडिया, वियतनाम, और मरने से पहले 200 देश कवर करने हैं। मरने से पहले? हाँ, मरने से पहले। तब तक ऊपर चल गलती से नहीं जाएगा तो जाने से? वो बीच में चला गया वो अलग बात है 200 देश पूरा देखना है आपका? पूरा देखना है। अभी कितना देश हुए? अभी 10 देश हुए बस। 10 देश में तो आप 200 देश देखना मुश्किल है। 190 और भी देखना है? हाँ, 190 और भी देख। 190 बचाए तो उससे पहले भी जा सकते हैं। गांव के अंदर तो मेरे को जगह मिली नहीं, लेकिन यहाँ पर एक गेस्ट हाउस है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वहाँ पे रुका हूँ और यहाँ के लिए मैं पे कर रहा हूँ 200 रुपीज पर नाइट। लेकिन इस गेस्ट हाउस की सबसे घटिया बात क्या है, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आसपास कोई घर नहीं है, तो 100 मीटर तक आसपास कुछ भी नहीं है और इस गेस्ट हाउस के अंदर मैं अकेला हूँ। डर भी लग रहा है, गेट खोलने में तो फट रही है, लेकिन थैंक्स टू आवर इंडियन आर्मी मुझे आज ये खाना देने के लिए। 2 गुलाब जामुन है, दाल है, चावल है, 1 सब्जी है, रोटियां हैं। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अभी मैं खाना खाऊंगा, आप प्लीज़ वीडियोस को शेयर करें जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं और स्पेशली उनके साथ जो नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और कल सुबह मैं निकलूंगा तूतिंग के लिए। अभी मेरे को एक ट्रक मिल गया है, लेकिन वो ट्रक वाले भाई साहब कल सुबह 5 बजे निकलेंगे, तो कल सुबह 5 बजे उनके साथ मैं तूतिंग के लिए निकल जाऊंगा और होपफुली कल 2-3 बजे तक मैं तूतिंग पहुंच जाऊंगा। यार पिछले 3-4 दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि तूतिंग पहुंच जाऊं, लेकिन ये तूतिंग है कि जो आ ही नहीं रहा है। लेकिन बीच में मुझे काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस मिले, एक थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस भी मिल गया, लेकिन चलता है ये सब। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। लाइट चली गई, वापस आ गई। यहाँ पर लाइट का ऐसे ही सिस्टम है, कभी आती है कभी जाती है। इधर पावर बैंक से गोप्रो की बैटरी और मोबाइल चार्ज हो रहा है। लाइट चली गई है और मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरी इस टॉर्च को। और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है एकदम। इस गेस्ट हाउस में टोटल 2-3 गेट हैं और सारे गेटों की जो कुंडी है ना, मैं 2-3 बार चेक करके आया हूँ, कहीं से खुला ना रह गया हूँ। अलग थ्रिल भी आ रही है, डर भी लग रहा है, सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। लेकिन फन है भाई, पूरा पूरा फन है बैकपैकिंग का। बाहर से आवाज़ें आ रही है, थ्रिल है भाई, थ्रिल है। गुड नाइट गाइज, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यार प्लीज़, आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर करो इन वीडियोस को और दिखाओ असली बैकपैकिंग का एक्सपीरियंस कैसा होता है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। आज तो खाना बैठे यार, सब एक क्वार्टर मिल जाता तो